देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है यस मैम गुड मॉर्निंग मानसी गुड मॉर्निंग मैम अच्छा देखो हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस सीख रहे थे इसमें ट्रांजेक्शन जो है तीन तरह से होता था ठीक है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का जो मेन कंसेप्ट था वो एक बार बता देते हैं अगर हम लोग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं कस्टमर को इस ऑप्शन के साथ बेसिकली सेंड कर रहे हैं कि आपको पसंद आए तो रखो नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर देना एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेगा सेलर वो हम लोग पढ़ रहे तो अकाउंटिंग में उसका तीन तरीके से ट्रीटमेंट होता है अगर ऐसे सेल जो है इस तरीके के सेल कैजुअली किए जाते हैं मतलब फ्यू कभी कभार फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली जिसमें से कैजुअली वाला हम लोग पढ़ रहे थे यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैजुअली में क्या होता है कि हम लोग इसे एक्चुअल सेल की तरह ट्रीट करते हैं ठीक है ठीके? तो वो question, उसी पे हम लोगों ने सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट किया था ये सेवेंथ नंबर है छोटा छोटा क्वेश्चन होता है जर्नल एंट्री बेस्ड है ये सब हमें ना फाइनल अकाउंट्स में भी काम देगा ठीक है फाइनल अकाउंट्स में कभी अगर ऐसा ट्रीटमेंट दे दे तो हम लोग कर सकते हैं तो देखो जैसे बोल रहा है ए सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स कुछ कस्टमर्स को अप्रूवल बेसिस पे गुड्स सेंड करते हैं एंड इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट फिर उसे सेल्स अकाउंट में दिखा देते हैं ठीक है थीके? मतलब अभी तक सेल हुआ नहीं है क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है या फिर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर कस्टमर रिटर्न अगर नहीं करता है तो उसे सेल ही मानेंगे जैसे ऑनलाइन सेल होता है 15 डेज रिटर्न पॉलिसी अगर 15 डेज तक कुछ भी हम लोग कंफर्म नहीं करेंगे तो फिर कंपनी मानेगी कि उसका प्रोडक्ट सेल हो गया अगर 15 डेज जो है रिटर्न पॉलिसी है उसके अंदर रिटर्न नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेल बन जाएगा हमें वो परचेज करना ही पड़ेगा ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी रिसीवेबल मतलब डेटर अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वॉज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा है कि वन लाख रुपीज का टोटल डेटा जेनरेट हुआ है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी को जिसमें सेवन थाउजेंड का सेल जो है अप्रूवल बेसिस का सेल है है दिस गुड्स सेंट आउट एट ओवर एंड कॉस्ट प्राइस बोल रहा है कि ये जो सेवन थाउजेंड का सेल किया गया था इसका सेल प्राइस कैसे डिसाइड किया गया था इसका सेल प्राइस था ट्वेंटी फाइव कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उस पर ट्वेंटी प्रॉफिट लगा के सेल प्राइस डिसाइड किया गया था तो ये किसको सेंड किया गया था सेवेन थाउजेंड का स्टॉक इसमें से मिस्टर एक्स को फोर थाउजेंड मिस्टर वाई को थ्री थाउजेंड टोटल सेवेन थाउजेंड नेक्स्ट बोल रहे हैं मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन थर्टीथ अप्रैल एंड मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन टेन अप्रैल मिस्टर एक्स ने गुड्स uh, जो है एक्सेप्ट किया है थर्टीएथ अप्रैल को बताया लेकिन ईयर एंड कब होता है थर्टी फर्स्ट मार्च को तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है लेकिन उसका इंफॉर्मेशन दिया है थर्टी अप्रैल को और वाई ने रिटर्न किया है टेंथ अप्रैल को ठीक है

थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी को बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिख रहा है ट्रेड रिसीवेबल पहले से बता रखा था हमें प्रिपेयर क्या क्या करके दे, देना है एक तो एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाना है ठीक है एंड सो हाउ दिल एपियर इन बैलेंस शीट सो ऑल्सो इंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है तो एडजस्टमेंट एंट्री मतलब ईयर एंड जब होगा तो हमें क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा तो देखो हम लोगों ने क्या सीखा था हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर हम लोग का ईयर एंड हो जाता है ये देखो जैसे यहाँ पर सिचुएशन क्या हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी को ईयर एंड हो गया ठीक है अब जैसे ईयर एंड होगा अगर हमारा इसमें ईयर एंड होने पे हम लोग क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का काउंटिंग करते हैं ठीक है थीके? अब क्लोजिंग स्टॉक तो जो हमारे पास हमारे गोडाउन में है वो तो दिख ही रहा है वो तो हम लोग लिख लेंगे लेकिन ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो है गोडाउन में नहीं है जो है कस्टमर के पास ठीक है अब कस्टमर के पास क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोल रहे हैं कस्टमर को जो स्टॉक दिया था वो सेल होगा कि नहीं उसका तो कोई कंफर्मेशन है नहीं क्योंकि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है तो अभी हम लोग मान लेंगे कि वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ठीक है इसका रीजन क्या था अगर हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के सेल को अगर हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के सेल को सेल कंसिडर करते हैं तो उसको हम लोग ट्रेडिंग में दिखा देंगे ठीक है और जब ट्रेडिंग में दिखा देंगे तो उससे हम लोग का प्रॉफिट जो है प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा जैसे, हो जैसे ही ट्रेडिंग में सेल रिकॉर्ड होगा जैसे ही ट्रेडिंग में सेल्स रिकॉर्ड होगा तो वहां पर जीपी जो है ऑटोमेटिकली इसका कंसीडर हो जाएगा लेकिन ये सेल अगर फ्यूचर में जाके कैंसिल हो सकता है ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो जीपी में जब कंसीडर होगा तो वो गलत ट्रीटमेंट दिखाएगा इसीलिए हमें क्या करना चाहिए उस सेल को कैंसिल करके उसे क्लोजिंग स्टॉक कह देना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है मतलब सेल जो अप्रूव होगा कि नहीं नहीं पता उसको एज ए सेल रिकॉर्ड करने से बेटर है कि हम लोग उसे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करें ठीक है इसी कंसेप्ट में हम लोग कर रहे थे अब देखो यहाँ पर मिस्टर एक्स ने थर्टीएथ अप्रैल को एक्सेप्टेंस दिया थर्टीएथ अप्रैल मतलब इसके बाद थर्टीएथ अप्रैल को मिस्टर एक्स ने एक्सेप्टेंस दिया एक्सेप्टेंस देने का मतलब है कि प्रोडक्ट लेना है उनको कितने का सेल किया गया था फोर थाउजेंड का ठीक है और मिस्टर वाई जो है उन्होंने मिस्टर वाई जो है उन्होंने टेंथ अप्रैल को रिटर्न किया है अच्छा तो टेंथ अप्रैल तो इसके आगे आ जाएगा मिस्टर वाई जो है उन्होंने टेंथ अप्रैल को रिटर्न किया रिटर्न किसने किया वाई ने कितने का थ्री थाउजेंड का ठीक है अब हम लोग को बोल रहा है एंट्रीज करो एडजस्टमेंट एंट्री मतलब यहां पर एंट्री करो और अप्रैल का भी एंट्री करके दिखाने के लिए बोला है ठीक है तो देखो यहाँ से लेकर यहां तक का हमें यहाँ का एंट्री करना है ठीक है तो एंट्री करना स्टार्ट करते हैं थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी को इन द बुक्स ऑफ ए होगा इन द बुक्स ऑफ तो यहां पर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एंड डेट पे आके चेक करेंगे कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है तो हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर के पास हमारा ऐसा कुछ प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जो सेल ही किया है हम लोगों ने सेल के तरह ट्रीट किया है बट अभी तक एक्चुअली सेल हुआ नहीं है क्योंकि वो अप्रूवल बेसिस पे था और अभी भी अप्रूवल के लिए टाइम बाकी है तो उसे हम लोग क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे क्योंकि ये हम लोगों का सेल जो है फ्यू आ, कस्टमर को किया जाता है तो हम लोग इसे एक्चुअल सेल की तरह ट्रीट करते हैं मतलब पहले हम लोगों ने इसका सेल रिकॉर्ड कर लिया है मतलब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को डेटर बना दिया है और सेवन थाउजेंड का सेल रिकॉर्ड कर दिया है अब उस सेल को हमें करना है रिवर्स तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टोटल में ही लिख देते हैं सेवन थाउजेंड टू ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर सेवन थाउजेंड नैरेशन हो जाएगा बींग कैंसिलेशन ऑफ बींग Cancellation of sales on अप्रूवल बेसिस पहले हम लोगों ने कैंसिल कर दिया उस सेल को ठीक है एक सेल किया था जो कन्फर्म सेल था नहीं क्योंकि अप्रूवल बेसिस का सेल था और हम लोगों ने उस सेल को कैंसिल कर दिया अब कैंसिल कर दिया तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक जो है गोडाउन में आ गए नहीं वो तो एक और वाई के पास पड़ा हुआ है तो हमें लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर कितना है तो उसका एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे इन्वेंट्रीज बोला जाता है स्टॉक को इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग ट्रेडिंग ये में दिखेगा ट्रेडिंग में दिखता है ना बाई क्लोजिंग स्टॉक वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा अच्छा कितने से दिखेगा अब वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा देखो टोटल सेवन थाउजेंड का सेल हुआ है सेल को तो सेवन थाउजेंड से कैंसिल कर दिया बट स्टॉक का रिकॉर्डिंग होता है हमेशा कॉस्ट में तो सेवन थाउजेंड सेल्स वैल्यू तो कॉस्ट किन कितना है सेल्स वैल्यू से तो है? है हम लोग को इसका क्या फाइंड आउट करना है इसका कॉस्ट वैल्यू तो कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ठीक है तो सेल्स से अगर प्रॉफिट एलिमिनेट कर देंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगा तो हमें प्रॉफिट भी पता करना पड़ेगा प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा ठीक है ये हमारा जो है प्रोसेस होगा कैलकुलेट करने का अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो हमें प्रॉफिट बता दिया है कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट ओवर एंड एव ऑफ कॉस्ट तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट प्रॉफिट और सेल ठीक है कॉस्ट प्रॉफिट और सेल ऐसे लिखा जाता है प्रॉफिट है ट्वेंटी फाइव परसेंट एव ऑफ कॉस्ट तो हंड्रेड मतलब होता है तो अगर कॉस्ट हंड्रेड है तो प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव है तो सेल वन हंड्रेड ट्वेंटी अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल क्यों सेल निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास सेल वैल्यू अवेलेबल है तो प्रॉफिट ऑन सेल मतलब प्रॉफिट बाय सेल होता है तो 25 डिवाइडेड बाय 125 यानी ये कितना हो जाएगा वन फिफ्ट ठीक है प्रॉफिट ऑन सेल है वन फिफ्थ तो अगर इतना है रेशियो तो सेवन थाउजेंड में कितना प्रॉफिट होगा सेवन थाउजेंड का वन फिफ्थ करेंगे तो पता चल जाए फोर्टीन हंड्रेड ठीक है सेवन थाउजेंड में फोर्टीन हंड्रेड हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा तो कॉस्ट कितना आ जाएगा माइनस कर लो सेवन थाउजेंड तो ये हो गया फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है कॉस्ट इतना आ जाएगा ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट हम लोग का इतना आ जाएगा या फिर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो ये भी एक तरीका है सेवन थाउजेंड जो है वो इक्वी वैलेंट तो कितना है वन ट्वेंटी फाइव ऐसे लिखते हैं 125 जो है वो इक्वी वैलेंट टू सेवन है क्योंकि ये भी सेल बता रहा है और ये भी हमें सेल बता रहा है फाइंड आउट क्या करना है कॉस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं तो सेवन थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी फाइव तो हमें हंड्रेड का वैल्यू निकालना है तो हंड्रेड का वैल्यू निकाल ऐसे भी कर सकते हैं इन टू हंड्रेड ये भी आ जाएगा हम लोग का डायरेक्टली फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आ जाएगा चेक करके देख सकते हो सेवन थाउजेंड इंटू वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी फाइव तो ये देखो डायरेक्टली फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आ जाएगा ऐसे भी कर सकते हो अगर हम लोगों ने हंड्रेड का वैल्यू निकाला अगर ट्वेंटी फाइव का वैल्यू निकालोगे तो फिर आंसर आ जाएगा हम लोग का फोर्टीन हंड्रेड ये देखो अगर हम लोग इसके वन ट्वेंटी फाइव इक्वी वैल्यू इंटू सेवन थाउजेंड क्योंकि ये भी सेल वैल्यू है ये भी सेल वैल्यू है तो हंड्रेड इक्वल टू कितना होगा सेम तरीके से हम लोग ट्वेंटी फाइव इक्वल टू अगर निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, देखो, 1400. चेक करके देखो अगर हम 25 का निकालते हैं, मतलब 125 25, देखो, कितना फोर्टीन हंड्रेड अभी इस प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगा तो हम लोग को देखो कॉस्ट पता चल गया फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया इसका नेरिसन लिखना चाहिए बीम एडजस्टमेंट

तो ये देखो इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा तो हम लोगों ने यहां तक का एंट्री कर लिया अब हम लोग को बैलेंस शीट बना के देना है क्योंकि क्वेश्चन क्यों में बोला था देखो हमें इन बैलेंस अब यहां बैलेंस शीट भी बनेगा फाइनल अकाउंट बन रहा है तो बैलेंस शीट में ये आइटम कैसे अपीयर करेंगे वो दिखाना है तो यहां पर दिखाते हैं बैलेंस शीट ऑफ ए as ऑन 31st March मार्च ब्रैकेट में लिखना चाहिए एक्सट्रैक्ट क्यों एक्सट्रैक्ट लिखेंगे क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्स नहीं होगा तो बैलेंस शीट बनाते टी शेप में बना लेंगे कोई कंपनी अकाउंट्स तो है नहीं लाइबिलिटीज एसेट्स तो एसेट्स में हमारे पास करेंट एसेट का डेटा अवेलेबल है एक है डेटर का और एक है स्टॉक का करेंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल, डेटर को बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल कितना था थर्टी फर्स्ट मार्च को क्वेश्चन में बताया है वन लाख ,00 था ठीक है अब अगर हम लोगों ने वन लाख ,00 में इसमें इंक्लूड हो रखा है सेवन थाउजेंड का सेल उसे हम लोग रिवर्स कर रहे हैं तो फिर यहां से उतना वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि देखो हम लोगों ने सेवन थाउजेंड से डेटर को कम कर दिया है तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे अप्रूवल बेसिस सेल यहाँ पर माइनस कर देंगे अप्रूवल बेसिस सेल कैंसिल

क्लोजिंग स्टॉक है वो वाला तो फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो टोटल हो जाएगा सिक्सटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है और इसको अगर टोटल करेंगे तो सिक्स हंड्रेड और ये हो गया वन लैक फिफ्टी एट थाउजेंड सिक्स सिक्स हंड्रेड ये हम लोग का बैलेंस शीट बन गया इस डेट पे तो एक्चुअली हुआ क्या डेटर जो सेल है उसको कैंसिल करके क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया बट वो स्टॉक तो गोडाउन में है नहीं कस्टमर के पास है तो क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर और जो सेल है उसको हम लोगों ने कम कर दिया ताकि ग्रॉस प्रॉफिट गलत ना दिखे अब क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं है क्योंकि हम लोग को बोला है टेंथ अप्रिल ये अप्रिल के मंथ का भी कुछ एंट्रीज जो है ये देखो ड्यूरिंग द अप्रिल अप्रिल में जो भी एंट्रीज होगा वो करके दिखाओ तो अप्रिल में क्या इंसिडेंट हुआ है वो देखो इवेंट क्या क्या हुआ है अप्रैल तो इसका कोई करना जरूरी है, है? है क्योंकि हम लोगों ने तो को कर दिया है, तो तो है नहीं कस्टमर के पास स्टॉक था कस्टमर आके दे 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 रहा है ठीक है ले लेंगे क्योंकि हम लोगों ने तो सेल रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो फिर रिटर्न का एंट्री क्या करे सेल रिकॉर्ड किया था देखो पहले सेल को किया था रिकॉर्ड फिर उसी सेल को कर दिया कैंसिल ठीक है अब अगर कोई आके रिटर्न दे रहा है तो एंट्री दिखाने का जरूरत नहीं बस उससे स्टॉक ले लो फिजिकली उससे स्टॉक ले लो और जो थर्टीएथ अप्रैल का क्या हुआ देखो थर्टीएथ अप्रैल को मिस्टर एक्स ने एक्सेप्ट uh, किया तब एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने किया था पहले सेल का एंट्री फिर उसी सेल के एंट्री को कैंसिल कर दिया अब अगर कोई बोल रहा है कि मुझे परचेस करना है तो मुझे फिर से सेल का एंट्री पास करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि मैंने सेल एंट्री किया था एक्स और वाई के लिए फिर सेल एंट्री एक्स वाई दोनों के लिए कैंसिल कर दिया टेंथ अप्रैल को वाई ने रिटर्न किया तो उससे फिजिकली स्टॉक ले लेंगे क्योंकि उसका सेल तो मैंने पहले ही कैंसिल कर रखा है तो टेंथ अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी में हो जाएगा नो एंट्री कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है और थर्टी अप्रैल को एक एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि एक्स बोल रहा है कि मुझे स्टॉक लेना है तो मैंने तो वो डिडक्ट कर दिया था पूरा सेल ही कम करके दिखा दिया था तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा मिस्टर एक्स को फिर से डेटर बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना सेल हो रहा है फोर थाउजेंड टू सेल्स बी सेल कर दिया, तो ये देखो, ये concept भी हम लोग का last जो class में हम लोग concept सीख रहे थे उसका complete हुआ इससे और कोई question है नहीं हाँ आगे जाके एक क्वेश्चन शायद मिलेगा हमें यहाँ पर ये वाला भी करवा देते सेम कंसेप्ट में उसके बाद हम लोग नया कंसेप्ट चालू करेंगे यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये वाला ये वाला क्वेश्चन ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी गुड्सेंड वेयर लाइंग विद कस्टमर कस्टमर के पास ही पड़ा हुआ है एक स्टॉक जिसको हम लोगों ने पे सेल किया था रीतू टू होम दिस गुड्स वेयर सोल्ड तो जिसको सेल किया था कस्टमर का नाम है रितू रितु टू होम दिस गुड्स वेयर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस मतलब इनको ऑप्शन के साथ बेचा था कि अच्छा लगे तो रखो नहीं लगे तो रिटर्न कर देना बोल रहा है रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स इसे एक्चुअल सेल्स की तरह हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है सिंस नो कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम रितु रितु से अभी भी कोई कंसेंट नहीं आया कि उनको ये चीज लेना है या नहीं लेना है यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus 20% बोल रहा है हमें एंट्री पास करना है इस प्रिजंपशन के साथ कि गुड्स जो है भेजे गए हैं उस पे प्रॉफिट लगाया गया था कॉस्ट पे 20% प्रेजेंट मार्केट प्राइस है 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस अब ये एक नया पॉइंट आया ये जो लास्ट वाला है प्रेजेंट मार्केट प्राइस लेस देन द कॉस्ट प्राइस बताते हैं पहले तो हमें एंट्री करना पड़ेगा 31st दिसंबर का एंट्री करना पड़ेगा देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर टू ठीक है पहला एंट्री देखो सबसे पहले बोला है यहाँ पर थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी गुड सोल्ड एट सेल प्राइस ऑफ थ्री थाउजेंड तो यहाँ पर लिखेंगे थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को

डेट क्रॉस कर जाता तो फिर वो तो सेल ही मानना पड़ता ना बात समझो जैसे मान लो आज कितना तारीख है आज है ट्वेंटी एट तो ऑफ सेप्टेम्बर ठीक है अगर किसी को आज ही आज ही लास्ट कंसेंट है आज ही किसी को अगर कंफर्म कर देना है कि लेना है नहीं लेना है तो अगर वो कंफर्म नहीं करता है तो सेल ही मानेगा कंपनी ठीक है तो कंपनी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो वहां पर ये देखो इसमें भी बोला है कि इनके पास से कोई कंसेंट नहीं आया तो इसका मतलब अभी भी इनको जो है इनका कंसेंट देने के लिए इनके पास टाइम बचा हुआ है तो फिर सेलर क्या करेगा सेलर इनके सेल को रिवर्स एंट्री डाल के कैंसिल करेगा सबसे पहले ताकि वो अपना फाइनल अकाउंट बना सके तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू रितु कस्टमर का नाम लिख दिया मैंने ठीक है अगर चाहो तो डेटर भी लिख सकते हैं थ्री थाउजेंड यहां पर लिखेंगे सेल कैंसिल सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पहले कैंसिल कर देना है फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देना है तो क्लोजिंग स्टॉक में दिखाने का एंट्री होगा थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर

ठीक है अच्छा अब यहाँ पर कैसे वैल्यू करना पड़ता है इसमें कॉस्ट में वैल्यू करना पड़ता है ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना के देखते हैं कि कॉस्ट कितना है तो सेल वैल्यू तो थ्री थाउजेंड है और सेल कैसे किया गया था कॉस्ट प्लस ट्वेंटी परसेंट में तो कॉस्ट अगर हंड्रेड था तो प्रॉफिट कितना था ट्वेंटी यानी ट्वेंटी तो सेल वैल्यू ये कितना होगा सेल्स वैल्यू हो जाएगा हंड्रेड प्लस ट्वेंटी यानी वन हंड्रेड ट्वेंटी क्योंकि सेल प्राइस कैसे निकाला जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके तो अगर सेल वैल्यू थ्री थाउजेंड है सेल वैल्यू अगर थ्री थाउजेंड है तो हमें कॉस्ट निकालना है ठीक है तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो किसी और तरीके से भी तो देखो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर वन ट्वेंटी इक्विवैल इंटू थ्री थाउजेंड है तो वन इक्वीव टू थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड इक्वीव इंटू कितना हो जाएगा ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली निकल जाएगा तो कितना आ रहा है देखते हैं थ्री थाउजेंड इंटू वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड ट्वेंटी तो ये आ गया टू थाउजेंड फाइव ठीक है या फिर और एक तरीका है ऐसे निकाल सकते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन सेल ये निकाल सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो जाएगा ट्वेंटी बाई वन ट्वेंटी यानी वन सिक्स अब यहाँ पर देखो तो फिर थ्री uh, पे कितना प्रॉफिट होगा वन सिक्स करके देख लेते हैं फाइव हंड्रेड ठीक है प्रॉफिट इस सेल पे तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 3000 500 एक ही बात है जैसा करना चाहो कर सकते हो 2500 ऐसे करके आ जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी एडेड है प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज परसेंट लेसर देन द कॉस्ट प्राइस तो मार्केट प्राइस जो चल रहा है अभी इस स्टॉक का मार्केट प्राइस जो है वो है 10% लेस देन कॉस्ट यानी कितना कॉस्ट है इसका 2500 इससे भी 10% कम चल रहा है अब कभी-कभी होता है ना प्रोडक्ट का प्राइस कॉस्ट से भी कम हो जाता है तब सेलर को लॉस हो जाता है ठीक है अब ये ऐसा क्यों होता है हो सकता है कि प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड कम हो गया हो इस वजह से ठीक है तो 2500 250 देखते हैं कितना आता है तो ये हो गया 2250 देखो यहां पर क्या बोला है कि कॉस्ट से भी कम हो गया जैसे मान लो मैंने एक आ, पेन खरीदा है बेचने के लिए टेन टेन रुपीज से खरीदा हम टू रुपीज प्रॉफिट लगा के ट्वेल्व में सेल करते हैं अचानक से पेन का मार्केट डिमांड मान लो वो कम होगा नहीं लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि मान लो ये जो पर्टिकुलर पेन है इसका फीडबैक उतना अच्छा नहीं आया और ये लोग लेना नहीं चाहते तो हम क्या सोचेंगे मेरा प्रॉफिट तो छोड़ो कम से कम कॉस्ट तो निकल जाए यही सोचेंगे ना कि मेरा कॉस्ट जो मैंने इनकट किया है वो तो कम से कम हम रिकवर कर ले तो कोई बोल रहा है कि नहीं द, हम हम सोच रहे हम दस में बेच देंगे लेकिन लोग बोल रहे नहीं अगर आठ रुपए में दोगे तो ले लेंगे ठीक है तो इसका मतलब मैंने क्या किया मैंने अपने जो पेन का प्राइस है उसका कॉस्ट से भी उसे कम कर दिया प्रॉफिट अर्न करना तो भूल ही गए छोड़ो वो तो कर ही नहीं सकते हैं और मुझे क्या करना पड़ा कॉस्ट से भी कम में बेचना पड़ा ठीक है तो अभी मेरा ये मार्केट प्राइस निकल के आ रहा है तो यहाँ पर भी वही मार्केट प्राइस हो गया है टेन परसेंट लेसर देन द कॉस्ट ठीक है टेन परसेंट लेस देन द कॉस्ट तो ये देखो 10% लेस देन द कॉस्ट होने से ये हो गया अब हमारा फिर कॉस्ट का रिकॉर्डिंग क्या होता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें क्या बोलता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर तो यहाँ पर कॉस्ट कितना है कॉस्ट है 2500 मार्केट प्राइस कितना है 2250 ये दोनों में लोअर कौन सा है ये दोनों में लोअर कौन सा है उसी पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा स्टॉक का वैल्यू जो लोअर होगा Is lower, उसी पे हमें स्टॉक का वैल्यू करना होगा ये देखो विच एवर इज लोअर उसी पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा स्टॉक को ठीक है क्लोजिंग स्टॉक को तो लोअर कौन सा है टू टू फाइव जीरो ठीक है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू टू फाइव जीरो ठीक है तो ये हमें कौन बताता है देखो कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है ये भी हमें एस टू बताता है एक्चुअली वो सिर्फ ये नहीं बोलता है कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है वो यही पॉइंट बताता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ये कौन बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है हम लोग लास्ट क्लास में, वाले में भी देख रहे थे. का मतलब होता है तो क्लोजिंग स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करना, तो करना है उसके बारे में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है वो है एस टू वहां लिखा हुआ है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर उस पे हमें कॉस्ट को स्टॉक uh, को रिकॉर्ड करना है ठीक है अब इसका रीजन वगैरह भी आगे जब तुम लोग हायर क्लास में जाओगे तो देखना कि इसका रीजन भी रहेगा ठीक है कि क्यों रिकॉर्ड किया जाता है तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हुआ जो फ्यू सेल्स का पॉइंट था अब हम लोग ये वाला पॉइंट करेंगे व्हेन बिजनेस सेंड गुड्स फ्रीक्वेंटली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस या और एक है कि न्यूमरसली तो कैसा ट्रीटमेंट होगा तो पहले हम लिखवा देते हैं इस पे जो नोट्स हमें चाहिए सेकंड पॉइंट लिखते हैं ठीक है व्हेन the business sins goods frequently on sale or return basis frequently he जब हम लोग सेल्स करते हैं मतलब मैक्सिमम सेल हम लोग का क्या होता है मतलब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे होता है तब कैसा ट्रीटमेंट होगा तो यहां पर लिखेंगे अंडर दिस मेथड एट द टाइम ऑफ सेंडिंग गुड्स ऑन Approval or return basis, sailor does not treat it like sale and no entry of sale. Is to be passed. तो जब इस तरीके से मतलब फ्रीक्वेंटली अगर हम लोग अप्रूवल बेसिस पे सेल करते हैं तो उसके सेलर जो है सेल का कोई एंट्री पास नहीं करता है मतलब इसे एक्चुअल सेल की तरह ट्रीट नहीं करता है इसीलिए कोई सेलिंग एंट्री पास नहीं करता है तो फिर कैसे ट्रीटमेंट करता है तो देखो क्या होगा एंट्री रिलेटेड टू सेल इज पास बाई सेलर ओनली ऑन द एप्रूवल ऑफ द बायर अगर बायर अप्रूव कर देता है उसके बाद जो है सेल का एंट्री पास होता है जैसे पहले वाले केस में क्या था कि हम लोग अप्रूवल बेसिस पे बेच रहे हैं, बट उसे एक्चुअल सेल के तरह ट्रीट करेंगे एक्चुअल क्रेडिट सेल के तरह और अगर उसके बाद कस्टमर रिटर्न करेगा तो रिटर्न ट्रीट करेंगे अप्रूव करेगा तो कोई एंट्री नहीं करेंगे बीच में अगर ईयर एंडिंग हो जाएगा तो उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे सेल को कैंसिल करके यहाँ पर बोल रहे हैं एंट्री रिलेटेड टू सेल तब रिकॉर्ड होता है इस केस में जब फ्रीक्वेंटली ऐसे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेल होता है पास बाय द सेलर ओनली ऑन द अप्रूवल ऑफ द बायर जब बायर अप्रूव करता है तभी सेलर एंट्री पास कर करता है इसके पहले नहीं करता है अंडर दिस मेथड रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल इज मेंटेन्ड इन ए Specially ruled sales or return journal or डेबू ठीक है तो इसमें हमें क्या करना है एंट्री तो तब करेंगे जब बायर बोलेगा कि हाँ मुझे परचेस करना है अदरवाइज कोई एंट्री नहीं होगा लेकिन क्योंकि स्टॉक फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है हम लोग अपना स्टॉक किसी को दे रहे हैं रखने के लिए कि रखो चेक करो देखो अगर अच्छा लगता है तो परचेस करो तो फिर कुछ तो हमें एंट्री करना पड़ेगा तो कैसा एंट्री होगा बोल रहे कि एंट्री करने का जरूरत नहीं है हम लोग एक सेल्स रिटर्न डे बुक फॉलो करेंगे जिसमें हम लोग उसका ट्रांजेक्शन को दिखाएंगे ठीक है एंट्री नहीं करके एक बुक मेंटेन करेंगे जहां पर दिखाएंगे कि हम लोगों ने अप्रूवल बेसिस पे सेल किया है और जो बुक मेंटेन करेंगे वो देखने में कैसे होगा स्ट्रक्चर बना के देते सेल और रिटर्न जर्नल और डे बुक बनाएंगे ठीक है अब ये देखने में कैसे होगा डे बुक जैसे होता है ठीक है जैसे तुम लोग सब्सिडियरी बुक्स करते हो ना तो डे बुक जैसे देखने में होता है वैसा होना चाहिए तो यहां पर लिखते हैं गुड्स सेल ऑन अप्रूवल एक कॉलम होगा दूसरा होगा गुड्स रिटर्न गुड्स अप्रूव तो देखो कॉलम याद करना कोई ज्यादा मतलब मेहनत वाला बात नहीं है क्योंकि हमें एंट्री पास नहीं करना है तो हमें रिकॉर्ड जो करना है उसमें क्या रिकॉर्ड करना है कि कितने हम लोगों ने अप्रूवल बेसिस पे सेंड किए उसमें से रिटर्न हुआ या अप्रूव हुआ इसीलिए ये तीन कॉलम हम लोग का बनेगा ठीक है अच्छा अब यहाँ पर सब कॉलम कुछ बनेंगे सब कॉलम में क्या क्या लिखना पड़ेगा वो भी लिख देते हैं देखो सब कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर डेट डेट तो होना ही चाहिए ना कि कब हम लोगों ने सेंड किया पर्टिकुलर्स जो मतलब कस्टमर का नाम वगैरह लिखना है फोलियो नंबर अगर कोई होगा ठीक है वो अमाउंट बस ये कॉलम्स होना चाहिए तो ये देखो बिल्कुल लॉजिकल है याद भी हो जाएगा आराम से डेट कब रिटर्न हुआ पर्टिकुलर्स यानी कि किसने रिटर्न किया कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न किया वो सब डिटेल्स के लिए पोलियो नंबर अगर कुछ होगा तो वो और अमाउंट यहां पर भी डेट अप्रूव्ड कब हुआ पर्टिकुलर्स पोलियो नंबर और अमाउंट ठीक है इस तरीके से ये वाला बन जाएगा तो हम लोग को क्या करना है हम लोग को किसी तरह का एंट्री नहीं करना है अगर फ्रीक्वेंटली सेल होगा तो ये सेल और रिटर्न जर्नल डे बुक हम लोग बनाएंगे जब भी हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेल करेंगे और इसमें मेंटेन करेंगे अब इसपे कैसे होगा ट्रांजैक्शन वो हम लोग देख लेंगे अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करके इसमें ट्रांजेक्शन एंट्रीज हो जाएगा आसान है किसने किसको सेल किया किसने रिटर्न किया किसने अप्रूव किया ठीक है नेक्स्ट वाला पॉइंट भी लिखवा देते हैं साथ ही साथ थर्ड नंबर जो कि लास्ट पॉइंट है कि वेन द बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस न्यूमेरसली ठीक है। अगर न्यूमरसली हम लोग आ, सेंड करते हैं ठीक है तो फिर हम लोगों को कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए तो हम लोगों ने पहले सीखा जो है कैजुअली यानी फ्यू अमाउंट में फ्रीक्वेंटली और ये है न्यूमरसली मतलब मतलब न्यूमरसली मतलब बहुत ज्यादा ठीक है तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा देखो अंडर दिस मेथड इस मेथड में कैसा ट्रीटमेंट होगा एट द टाइम ऑफ sending goods on approval or return basis sailor does not record gifts यहां पर भी सेम चीज है तब सेलर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता है एज ऑर्डिनरी सेल डज नॉट रिकॉर्ड इट एज ऑर्डिनरी सेल एंड नो एंट्री फॉर सेल इज पास पहला कंसेप्ट दोनों केस में सेम है कि यहाँ भी ऑर्डिनरी सेल ट्रीट नहीं करता यहाँ भी ऑर्डिनरी सेल ट्रीट नहीं करता है इसी वजह से कोई सेलिंग एंट्री पास नहीं होता है तो फिर कैसे करके ट्रांजेक्शन करेगा इन दिस मेथड इन दिस मेथड मेमोरेंडम मेमोरेंडम बुक मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ वर्क ठीक है मेमोरेंडम बुक्स आर प्रिपेयर्ड दिस बुक इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग एक मेमोरेंडम बुक फॉलो करते हैं जो रेगुलर अकाउंटिंग बुक का पार्ट नहीं होगा जैसे तुम लोग कुछ रफ वर्क जैसे देखो ये हमें ये डेटा देखो ये जो वर्किंग नोट बना कहाँ पर गया ये वाला तो ये वर्किंग नोट हमें क्या करता है ये हमारा मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं है लेकिन ये हमें हेल्प करता है इस सोल्यूशन को पूरा करने के लिए वैसे ही मेमोरेंडम बुक जो है वो मेन बुक का पार्ट नहीं है लेकिन मेमोरेंडम बुक के थ्रू से हम लोग इस तरीके के एंट्री को फॉलो कर सकते हैं ठीक है थीके? इस तरीके के ट्रांजेक्शन को जहां पर न्यूमरसली सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेल होता है ठीक है अच्छा मेमोरेंडम बुक्स में क्या क्या बनता है वो लिखते हैं मेमोरेंडम बुक्स कंसिस्ट ऑफ मेमोरेंडम बुक कंसिस्ट ऑफ सेल और रिटर्न डे बुक अब देखो ये जो सेल और रिटर्न डे बुक है वो तो ये मेथड में भी फॉलो होता है मतलब जब हम लोग फ्रीक्वेंटली सेल करते हैं तब बनता है सेल और रिटर्न डे बुक और जब हम लोग न्यूमरसली करते हैं तो सेल और रिटर्न डे बुक तो बनेगा ही साथ में और एक चीज बनना चाहिए दैट इज सेल और रिटर्न लेजर ठीक है जो कि इसके पहले वाले मेथड में नहीं बनता है सेल और रिटर्न लेजर ठीक है और सेल और रिटर्न लेजर के अंडर क्या क्या बनता है वो भी लिख देते हैं इसके अंदर इस सेल और रिटर्न लेजर के अंदर बनता है दो लेजर सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट टोटल अकाउंट और दूसरा होता है कस्टमर अकाउंट ठीक है दूसरा होता है कस्टमर अकाउंट तो देखो मैंने यहां पर दो चीज बताया तुम लोगों को एक तो हम लोगों ने देखा कि अगर फ्रीक्वेंटली सेल करते हैं तो कैसा होता है न्यूमरसली करते हैं तो कैसा होता है फ्रीक्वेंटली न्यूमरसली में कॉमन चीज क्या है दोनों में जब सेल होगा तो किसी तरीके का सेल एंट्री नहीं होगा एक जो है लेजर uh, मेंटेन होगा ज, जो है जिसका नाम है सेल और रिटर्न जर्नल वहां पर जो है डिटेल्स रखा जाएगा और यहां भी वैसे ही होगा सेल और रिटर्न जर्नल या डे बुक बनेगा और उसके साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा और एक चीज बनेगा दैट इज सेल और रिटर्न लेजर और ये दोनों को मिला के बोला जाता है मेमोरेंडम बुक और यहाँ पर ये वाले मेथड में सिर्फ ये चीज फॉलो होता है ठीक है और यहाँ पर ये दोनों चीज फॉलो होता है दोनों को मिला के बोला जाता है मेमोरेंडम बुक ये सब जो है थियोरिटिकली पूछ सकता है तो सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनेगा लेजर के अंडर और एक कस्टमर अकाउंट बनेगा ठीक है तो हम यहाँ पर अकाउंट बना के दिखा देते हैं देखो अकाउंट में हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा तो उसके लिए ना हम पहले यहाँ पर एक एंट्री कर लेते हैं मेमोरेंडम बुक्स में क्या एंट्री होता है तो यहां पर अकाउंट का नाम लिख लेते हैं जो भी मैंने लिखवाया सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनता है और दूसरा बनता है कस्टमर अकाउंट so, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या एंट्री होता है इन द मेमोरेंडम बुक जो हम लोग रफ वर्क फॉलो करते हैं उसमें क्या क्या लिखते हैं इन द मेमोरेंडम बुक तो देखो रफ वर्क का भी लेकिन एक जो है आ, मतलब प्रायोरिटी होता है देखो जैसे ये बना तो ये प्रायोरिटी तो है ना ये तो हम लोग जो है देख के ही यहां से करेंगे तो वैसे ही अच्छा ठीक तो यहां पर देखो इन द मेमोरेंडम बुक मेमोरेंडम बुक्स में क्या क्या एंट्री होता है पहले फॉर गुड्स सेल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ठीक है तो हम लोग रफली इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं अगर गुड्स सेल so, किया जाता है रिटर्न बेसिस पे तो रफली क्या एंट्री करते हैं तो रफली एंट्री यही करते हैं कस्टमर डेबिट कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स और रिटर्न ठीक है customer debit, customer account, सेल्स और रिटर्न और ये रिकॉर्ड होता है सेल्स वैल्यू पे ठीक है रफली कर रहे हैं ये ओरिजिनली एंट्री नहीं कर रहे हैं रफ बुक है, है ना रफली ऐसा एंट्री करेंगे अब देखो ये पोस्ट करेंगे यहाँ पर ठीक है तो क्या एंट्री हुआ कस्टमर टू सेल्स और रिटर्न तो हम लोग सेल्स और रिटर्न में क्या लिखेंगे टू कस्टमर बोल के ठीक है अब इसे कैसे लिखा जाता है इसे हम लोग लिखेंगे टू ऐसे लिखेंगे ये देख टू सेंट्रीज कस्टमर क्यों लिखा क्योंकि एक तो कस्टमर होगा नहीं बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं सबका मिला के लिख रहा है तो इसीलिए लिखेंगे टू संड्रिस कस्टमर जैसे वहां पर अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग देख सकते हो मैंने एक्स वाई दोनों का ही लिखा ना वैसे ही तो यहाँ पर हो जाएगा कस्टमर मतलब सारे कस्टमर तो इसीलिए टू सन्ड्रिस कस्टमर यहाँ पर पोस्ट हो गया ठीक है एक मिनट क्या एंट्री किया मैंने कस्टमर टू सेल्स और रिटर्न तो सेल्स और रिटर्न में बाई कस्टमर होगा अच्छा सॉरी ये लिखा हुआ रहने दो, ये काम में आ जाएगा अभी यहां पर लिखेंगे साइड में होगा ना पोस्टिंग बाई संड्रीज कस्टमर यहां पर एंट्री होगा हाइफिन दे के लिखेंगे गुड्स सेंट ठीक है और यहां पर Uh, जो है क्रॉस पोस्टिंग करेंगे कस्टमर अकाउंट में हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे क्रॉस पोस्टिंग में क्या एंट्री करेंगे कस्टमर अकाउंट में कस्टमर अकाउंट में लिखेंगे टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट गुड्स सेल्ड हो गया ठीक है ये रफली कर रहे हैं हम लोग उसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्या सिचुएशन हो सकता है उसके हिसाब से एंट्री होगा हो हो तो फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर अगर कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न कर दिया तो क्या एंट्री होगा तो रफली एंट्री हमें करना पड़ेगा जैसे हम लोग करते हैं सेल्स और रिटर्न डेबिट टू कस्टमर अच्छा कौन से वैल्यू सेल्स वैल्यू में एंट्री होगा ये ठीक है कौन से वैल्यू में सेल्स वैल्यू में एंट्री होगा अब इसका पोस्टिंग करेंगे सेल और रिटर्न टू तो कस्टमर ठीक है तो सेल और रिटर्न में लिखेंगे टू सेंड्रीज कस्टमर देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा है टू सेंड्रीज कस्टमर और यहां पर लिखा हुआ ही था मतलब मैंने पहले इधर गलती से पोस्ट कर दिया था बट ये रिटर्न वाला होगा ठीक है और यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग करेंगे बाई सेल्स और रिटर्न यहाँ पर रिटर्न ठीक है यहां पर हाइफन देके लिखेंगे रिटर्न अगर रिटर्न हो गया तो इस तरीके से पोस्ट हो जाएगा अच्छा इसके बाद थर्ड नंबर एंट्री क्या हो सकता है थर्ड में लिखेंगे यहां पर और गुड्स अप्रूव्ड बाय कस्टमर अगर कस्टमर ने गुड्स अप्रूव कर दिया है तो क्या करना पड़ेगा अब देखो हम लोगों ने पहले कोई सेल का एंट्री नहीं किया था अगर तुम लोग ये सोच रहे हो तो ये हम बार बार बोल रहे हैं ये हम लोग का कोई सेल का एंट्री हम लोग रफली कर रहे हैं ठीक है तो अभी रफली अगर कस्टमर ने अप्रूव कर दिया तो, तो क्या एंट्री करना चाहिए तो देखो एंट्री कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने रफली एंट्री किया था सेल का अगर कस्टमर अप्रूव कर रहा है तो एंट्री का वैसे तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन जैसे ही कस्टमर अप्रूव कर दे गा रफली तो हम लोगों ने एंट्री पास किया था इसलिए एंट्री नहीं करेंगे ऐसा सोच रहे हैं लेकिन जो रेगुलर बुक्स हम लोग मेंटेन करते हैं वहां तो एंट्री करना पड़ेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि सेल हुआ है तो रेगुलर बुक में एंट्री करना पड़ेगा कस्टमर टू सेल्स बोल के समझो बात को मैंने क्या बोला मैंने बोला कि अगर हम लोग यहाँ पर रफली सारा काम कर रहे हैं ठीक है, है? रफली सेल का एंट्री किया रफली अगर रिटर्न हुआ उसका एंट्री किया अब अगर अप्रूव होता है तो एंट्री करने का जरूरत नहीं क्योंकि रफली ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं लेकिन रेगुलर बुक में तो हमें लिखना पड़ेगा मतलब मेनली जैसे हम लोग वर्किंग नोट बना रहे तो क्या वर्किंग नोट में ही आंसर रख देंगे उसको ले जाके सोल्यूशन में तो लिखना पड़ता है वर्किंग नोट नंबर वन से वैसे ही रेगुलर बुक में हमें एंट्री करना पड़ेगा कि हम लोग का ये सेल हुआ है और जैसे रेगुलर बुक्स में एंट्री करेंगे यहां भी एंट्री है यहाँ भी एंट्री है सेम तो हमें ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा रेगुलर बुक्स में एंट्री जैसे ही होगा यहां से उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा कहां से रफ बुक यानी मेमोरेंडम बुक से तो एलिमिनेट करने का एंट्री क्या होगा इसका ऑपोजिट सेल्स और रिटर्न डेबिट टू कस्टमर ऐसे एंट्री होगा सेल्स और रिटर्न टू कस्टमर ठीक है ये वाला पॉइंट समझने वाला था इसलिए मैंने लेजर के साथ साथ लिखवाया देखो मैंने क्या बोला हम लोग रफली सेल का एंट्री करेंगे रफली हम लोग रिटर्न का एंट्री करेंगे अगर अप्रूव हो गया तो रफली कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है अप्रूव होने पे क्यों क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सेल का एंट्री कर देते हैं लेकिन जैसे ही हम लोग का अप्रूव हुआ तो हमें रेगुलर बुक्स में एंट्री करना पड़ेगा तो हम लोगों को रफ बुक से उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा अब हम लोग का लेजर पोस्टिंग किस हिसाब से हो रहा है रफ बुक के हिसाब से तो रफ बुक में ये एंट्री आया सेल और रिटर्न टू कस्टमर तो उसका इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे सेल्स और रिटर्न टू कस्टमर यानी टू कस्टमर टू सेंट्रीज कस्टमर ठीक है और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा यहां पर लिखना पड़ेगा अप्रूव्ड अगर सेल uh, अप्रूव्ड होता है तो इस तरीके से यहाँ पर एंट्री आ जाएगा ठीक है ये पोस्ट हो जाएगा इसी वजह से मैंने ये वाला तुम लोग को अलग से करके दिखाया नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर हम लिखेंगे रिटर्न uh, को भी इधर लिखेंगे अप्रूव को भी इधर लिखेंगे तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा इसीलिए मैंने कंसेप्ट समझा दिया ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा uh, say, uh, यहाँ पर हो जाएगा बाई सेल और रिटर्न ये वाला ठीक है इसमें हम लोग लिखेंगे बाई सेल और रिटर्न अप्रूव हो रेट अप्रूव उसका रीजन वही है कि रफ बुक से उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग रेगुलर बुक्स में भी एंट्री कर रहे हैं ठीक है अच्छा अब अगर पेंडिंग फॉर अप्रूवल है तो क्या होगा फोर्थ नंबर पे फॉर गुड्स पेंडिंग एप्रूवल तो इसमें एंट्री हो जाएगा रेगुलर बुक में ये रेगुलर बुक में करना पड़ता है रेगुलर बुक्स में एंट्री होगा जैसे हम लोग करते हैं इन्वेंट्रीज विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग जैसा होता है वैसे ही एंट्री हो जाएगा रेगुलर बुक में ठीक है अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे करके ट्रीटमेंट होना चाहिए अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ पर सेवन तक कंप्लीट कर लिया ठीक है ये सेवेंथ नंबर का सोल्यूशन दिख रहा है सेवन तक कंप्लीट कर लिया इसके बाद मैंने बताया कि ये जब न्यूमरसली और फ्रीक्वेंटली होगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मिलेगा यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व uh, कर सकते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन देखो टू तो पह, इसके पहले कर लिया वन और थ्री करना है क्या बोला है क्या है वन मंथ के अंदर रिटर्न कर देना है अगर करना है तो नहीं करोगे तो सेल मान लेंगे और अगर रिटर्न करना है तो वन मंथ के अंदर करना पड़ेगा ड्यूरिंग मे ट्वेंटी ट्वेंटी फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द गुड सेन्ड तो देखो मे मंथ में सेकेंड ऑफ मई एट्थ ऑफ मई ट्वेल्थ ऑफ मई एटीन ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ मई में ट्रांसक्शन हुआ क्यू डी आर इन सब को सेल किया गया है फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी एट थ्री थाउजेंड वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड का स्टॉक विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम यानी कि वन मंथ के अंदर पी एंड क्यू रिटर्न द गुड पी और क्यू ने क्या कर दिया है स्टॉक रिटर्न कर दिया एंड बी टी इज

सेल और रिटर्न अकाउंट और कस्टमर पी अकाउंट जब भी हमें लेजर बनाने के लिए बोल रहा है क्या बोला है सेल और रिटर्न अकाउंट मतलब ये वाला ये देखो सेल और रिटर्न अकाउंट एंड कस्टमर अकाउंट जिसमें पी का अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो इसका मतलब हम ये न्यूमरसली वाला क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि न्यूमरसली सेल होता है लेकिन प्रिपेयर क्या करना है प्रिपेयर करना है हम लोगों को रेगुल रिटर्न लेजर तो इसका मतलब अगर हमें रिटर्न लेजर प्रिपेयर करना है तो इसका मतलब न्यूमरसली का क्वेश्चन है और लेजर बनाने के लिए हमें ये परफॉर्म करना पड़ेगा मतलब पॉइंट ए बनेगा तभी पॉइंट बी बनेगा तो ये हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ कि कौन से पॉइंट का क्वेश्चन दिया है तो न्यूमरसली सेल का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले डे बुक बनाएंगे उसके बाद लेजर बनाएंगे ठीक है तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, देखो डे बुक के लिए यहां पर नाम लिख देते हैं सेल और रिटर्न डे बुक सेल और रिटर्न बुक ठीक है यहां लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस अच्छा यहां लिखेंगे गुड्स रिटर्न गुड्स अप्रूव और यहां चाहो तो एक बैलेंस का कॉलम बना सकते हैं, ठीक है अब इसके अंदर भी जो है सब कॉलम्स बनेगा डेट ऐसे करके डेट पर्टिकुलर्स पोलियो डेट, पर्टिकुलर्स पोलियो अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स पोलियो अच्छा ऐसे ही रहने दे या फिर ये बना दे लाइन सीधा नहीं होता है डेट पर्टिक छोड़ो मेरा लाइन सीधा नहीं हुआ तुम लोग लाइन पूरा ड्रॉ कर लेना ठीक है अच्छा सबसे पहले ट्रांजैक्शन कब कब हुआ है मे ट्वेंटी ट्वेंटी तो यहां पर लिखेंगे मे ट्वेंटी ट्वेंटी और डेट लिख लेते हैं कौन कौन सा है टू एट ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तो टू एट ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी सेवन एटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी सेवन ठीक है ये मैंने सारे ट्रांजैक्शन डेट लिख लिए ठीक है अच्छा अब यहां पर क्या हुआ है सेल हुआ है किसको पीबी क्यू डी ई आर तो यहाँ पर लिख लेते पी बी क्यू डी ई आर मैंने बोला था ना ये कॉलम क्या है पर्टिकुलर्स के लिए डिटेल्स के लिए फोलियो नंबर कुछ क्वेश्चन में है नहीं अमाउंट बता दिया है फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी एट फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी एट थ्री वन ट्वेंटी सिक्स थ्री थाउजेंड वन थाउजेंड और ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ठीक है अच्छा अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे इसको अच्छा मैंने ट्वेंटी सेवन वाला गलत लिख दिया है क्या अच्छा पी ऊपर लिख दिया एलो गलत हो पी बी क्यू डी ई और आर डिटेल्स जो है नीचे की तरफ आ जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एटेंटी ट्वेंटी एट थ्री थाउजेंड अच्छा ट्वेंटी एट थ्री थाउजेंड वन थाउजेंड और ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड हम्म टोटल करते हैं 3 1, 4, ये 30, 30 और ये और 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 दोनों मिला के हो गया 48, 30, 48 और 15, 30, 48 और 15, टोटल हो जाएगा नाइनटी थ्री थाउजेंड ठीक है टोटल बना लिया हम लोगों ने टोटल नाइन्टी थ्री थाउजेंड का सेल है अच्छा अब देखते हैं इसके बाद क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है इसके बाद यहाँ पर बोला है देखो कि विद स्टिपुलेटेड टाइम पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स पी और क्यू ने गुड्स रिटर्न कर दिया है मतलब वन मंथ के अंदर क्या है टाइम डेट नहीं बोला है कब किया है तो हम लोग डेट में कुछ नहीं लिखेंगे यहां पर लिखेंगे रिटर्न में पी का नाम लिखेंगे और कौन है क्यू तो क्यू मतलब यहां पर लिखेंगे ठीक है पी और क्यू ने रिटर्न कर दिया यहाँ कुछ नहीं है तो नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं पूरा रिटर्न क्या ऐसा नहीं बोला है कि आधा अधूरा रिटर्न क्या है तो क्यू यहां पर ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी एट थाउजेंड ठीक है यहां पर लिखेंगे ट्वेंटी एट थाउजेंड अच्छा इसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं आएगा इन दोनों ने ही रिटर्न किया है और किसी ने रिटर्न किया है नहीं तो इसका टोटल कर लेते हैं ये हो जाएगा हम लोग का फोर्टी थ्री थाउजेंड टोटल करने से ठीक है अच्छा अब देखो फिर नेक्स्ट बोल रहा है बीडीई सिग्निफाइड दैट दे है गुड्स बी डीई ने बोला कि उनको स्टॉक ले लेना है ठीक है इसका भी डेट हमें नहीं पता तो बी मतलब ये डी नेक्स्ट वाला और ई ठीक है बी डी ई इन्होंने सोचा है कि इनको स्टॉक ले लेना है तो बी ने कितने का सेल करवा लिया ट्वेंटी थाउजेंड मतलब बी को ट्वेंटी थाउजेंड का सेल कर देना है अच्छा यहाँ पर ये डी का हो जाएगा थ्री थाउजेंड और ई e का हो गया वन थाउजेंड तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड हो गया टोटल सेल ठीक है अच्छा अब अगर बैलेंस देखना है तो हम लोग बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंस कॉलम में क्या लिख सकते हैं कि, कि कितना बचा हुआ है तो देखो नाइन्टी थ्री थाउजेंड का सेल था टोटल ठीक है जिसमें से फोर्टी थ्री थाउजेंड रिटर्न हो गया फिफ्टी और ट्वेंटी फोर थाउजेंड अप्रूव्ड हो गया तो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड बैलेंस है तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस भी लिख सकते ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टोटल में भी लिख सकते ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड तो ये तो पढ़ के ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं ये बन गया हम लोग का डे बुक ठीक है डे बुक बनने के बाद क्या बनाना है दो लेजर बना के देना है सेल्स और रिटर्न अकाउंट और सिर्फ कस्टमर पी का बोला है तो हम यहां पर बना लेते हैं सेल्स और रिटर्न अकाउंट और कस्टमर पी अकाउंट यहाँ पर बनाते हैं सेल्स और रिटर्न अकाउंट अब देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा खुद से एंट्री समझ के उसका पोस्टिंग करना पड़ेगा तो हम लोग सेल्स और रिटर्न में क्या लिखते हैं सेल्स और रिटर्न अकाउंट में क्या दिखाते हैं ये देखो हम लोग दिखाते हैं कि कितना गुड्स भेजा था कितना रिटर्न हुआ कितना अप्रूव हुआ यही दिखाना है ठीक है तो कितना गुड्स भेजा गया था तो सारे कस्टमर का टोटल लिखना पड़ेगा तो गुड्स भेजा गया था मतलब सेल हुआ था नाइनटी का तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये हम लोग कब मे थर्टी को बनाएंगे ठीक है नहीं हमें कब प्रिपेयर करने बोला है 15 जून को बोला है हाँ ठीक है 15 जून को बोला है लेकिन सेल का डेटा हम लोग कब लिखेंगे 31st को लिखेंगे 15 जून को क्या प्रिपेयर करने बोला है ये लेजर बनेगा 15 जून लेकिन ट्रांजैक्शन डेट कब आएगा ये सारे सेल जो है मई के मंथ में हुए तो 31st मई लिखना पड़ेगा तो यहां पर लिखेंगे बाय संड्रीज बाय संड्रीज कस्टमर अच्छा क्या इसे याद रखना मुश्किल है बिल्कुल नहीं तुम लोग देखो सेल का एंट्री क्या होता है डेटर टू तो सेल ये क्या है डेटर ही तो है ये सेल अकाउंट मान लो डेटर टू तो सेल जैसे सेल अकाउंट होता है नॉर्मली तो वैसे डेटर बाइ डेटर लिखते हो ना तो देखो यहाँ सेल के जगह अप्रूवल वाला सेल है और डेटर के जगह संड्रीज कस्टमर है बस एक ही बात है ठीक है उसमें कोई ज्यादा अलग चीज है नहीं 93,000 अच्छा अब कुछ अप्रूव्ड हुआ अप्रूव तो होने से भी हमें उसे कैंसिल देखो रिटर्न जो हुआ तो उसका रिवर्स एंट्री डेटर टू सेल्स तो यहां पर बाई डेटर सॉरी सेल्स टू डेटर तो यहाँ पर टू डेटर हो जाएगा तो थर्टी फर्स्ट मे को लिखेंगे हम लोग यहां पर जो रिटर्न हुआ कितना फोर्टी थ्री थाउजेंड तो क्या लिखेंगे टू सेंट्रीज कस्टमर फोर्टी थ्री थाउजेंड ठीक है अच्छा टू सेंड्रीज कस्टमर फोर्टी थ्री थाउजेंड और जो अप्रूव्ड हुआ उसे भी हमें वैसे ही लिखना पड़ता है क्योंकि वो कैंसिलेशन के वजह से वैसे दिखता है ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये देखो मैंने दिखाया था ठीक है तो अप्रूव्ड वाला भी हमें इसी तरीके से लिखना पड़ेगा टू सेंड्रीज कस्टमर यहाँ पर लिखेंगे सेम डेट पे टू सेंड्रीज कस्टमर ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है तो ये इतना सेंड हुआ था इतना हो गया है ये वाला क्या है ये हो गया है हम लोगों का रिटर्न ये क्या हो गया है अप्रूव तो उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो टू बैलेंस दिखेगा और ये फिफ्टींथ जून को दिखेगा क्योंकि लेजर हमारा फिफ्टीन जून को क्लोज होने वाला है क्वेश्चन में बता दिया है टू बैलेंस सीडी बाकी वैल्यू दिखेगा नाइनटी थ्री थाउजेंड से ये माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा तो ये हो गया सिक्सटी सेवन आई थिंक फोर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी तो ट्वेंटी थ्री ठीक है और कस्टमर पी का अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो पी का अकाउंट बना लेते हैं पीज अकाउंट कस्टमर के अकाउंट में क्या लिखेंगे कस्टमर के अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा जितना उनको सेल किया है कस्ट, इंडिविजुअली कस्टमर का अकाउंट लिख रहा है तो पी का क्या एंट्री हो जाएगा पी टू सेल्स तो यहां पर लिखेंगे पी को कब सेल किया है हम लोगों ने देखते हैं पी का सेल जो है सेकेंड ऑफ मई मई का है तो यहां पर लिखेंगे टू सेल्स और रिटर्न गुड्स सेल कितने का है पी का सेल है फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड और पी ने क्या किया है पी ने कर दिया है रिटर्न कौन से डेट को किया है वो तो नहीं पता रिटर्न कर दिया है तो रिटर्न का एंट्री हम लोग यहां पर क्या करेंगे पी को कैंसिल करेंगे एज ए डेटर तो एंट्री क्या हो जाएगा थर्टी फर्स्ट मई को करेंगे ठीक है तो यहां पर लिखेंगे बाई सेल्स और रिटर्न रिटर्न का एंट्री कितना फिफ्टीन थाउजेंड ये हो जाएगा ठीक है अच्छा अगर हम लोग को क्यों मान लो अगर हम लोग को P का अकाउंट ही सिर्फ बनाने बोला है अगर हम लोगों को क्यू का अकाउंट बनाने बोलेगा वो पी के तरह ही होगा एज इट इज पी के तरह होगा लेकिन अगर बी डी या e का अकाउंट बनाने बोले तो ये तीनों एक ही जैसा दिखेगा जैसे पी का है वैसे ही क्यू का होगा बस यहाँ पी के जगह क्यू लिखना पड़ेगा अमाउंट हम लोग के फिफ्टीन के जगह ट्वेंटी एट हो जाएगा बस इतना चेंजेस है और अगर मान लो जिनका अप्रूव हो गया है उनका अकाउंट बनाने बोले तो वो कैसे बनेगा तो ये जैसे मान लो बी का अकाउंट बीज अकाउंट तो बीज अकाउंट में क्या होगा पहले सेल का एंट्री होगा डेटर टू सेल्स तो यहाँ पर टू सेल्स और रिटर्न बेसिस में हो जाएगा सेल्स और रिटर्न ऐसे लिखेंगे गुडसेतना ट्वेंटी थाउजेंड और जब यहां पर इन्होंने अप्रूव कर लिया है तो उसका एंट्री क्या होगा उसमें भी यही वाला लिखेंगे रिटर्न की जगह क्या लिखना पड़ेगा अप्रूव ठीक है वो मैंने यहां पर चेक करके दिखाया था तुम लोग को ये देखो अगर हम लोग ओरिजिनल बुक्स में उसका एंट्री पास करेंगे ये देखो अगर कस्टमर ने रिटर्न किया तो भी बाई सेल और रिटर्न और अगर अप्रूव किया है तब भी पोस्टिंग बाई सेल और रिटर्न ही होता है ठीक है तो और हम इसीलिए नहीं दिखा रहे चाहे तो तुम लोग पूरा अकाउंट अपने यहाँ पर बोला ही है बस पी का ही दिखाने के लिए अगर चाहो तो तुम लोग बाकी अकाउंट भी अपने प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते टू वाला तो हो गया अब थर्ड नंबर वाला देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद एमसीक्यूज कर पाएंगे एक सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर द पर्टिकुलर ऑफ विच वाज एज अंडर तो यहाँ पर कुछ डेटा दे दिया है प्रिपेयर क्या करने बोला है गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक बनाने के लिए बोला है और सेल का टोटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है ठीक है तो हम लोग ये ऐसा डे बुक बनाएंगे और ये टोटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो पहले हम लोग डे बुक का स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेल और रिटर्न डे बुक अच्छा क्या क्या एंट्री क्या क्या कॉलम होगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस दूसरा हो जाएगा गुड्स रिटर्न नेक्स्ट हो जाएगा गुड्स अप्रूवल और ये सब में सब कॉलम हो जाएगा डेट पर्टिकुलर पोलियो और अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स पोलियो एमाउंट यहां पर भी सिमिलर तरीके से डेट पर्टिकुलर्स पोलियो एमाउंट डेट पर्टिकुलर्स माउंट और एक बैलेंस अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं पहले तो मैंने पढ़ा नहीं है अब यहां से पढ़ लेते हैं एक एक करके यहाँ पर देखो डेट जो है ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइनटीन का सारा ट्रांजैक्शन है दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है 2019, और ये डिसम्बर भी नीचे लिख लेते हैं इसके बाद सारे डेट लगाते जाएंगे टेन ट्वेल्व टेन ट्वेल्व उसके बाद का डेट है देख लेते हैं टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और थर्टी अच्छा अब ट्रांजेक्शन देखते हैं मेसर्स ए बी सी मेसर्स डीई एफ e, यहाँ पर हो जाएगा मेसर्स ए बी सी मेसर्स डीई एफ e, अच्छा इनका अमाउंट भी लिख ले टेन और फिफ्टीन थाउजेंड यहाँ पर लिख लेते हैं टेन और फिफ्टीन थाउजेंड फोलियो नंबर यहाँ भी हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है अच्छा इसके बाद मेसर्स डी एच आई मेसर्स जी एच आई कस्टमर का नाम है ये सब ठीक है मेसर्स डीई एफ ए बी सी डी ई एफ एबीसी और मेसर्स जी एच आई अच्छा अब वैल्यूज देख लेते हैं ट्वेल्व सिक्सटीन इलेवन थर्टीन टवेल्व सिक्सटीन इलेवन थर्टीन और सब में थाउजेंड

यहाँ बोला है नो इंफॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर तो इनका सेल हुआ था 10th दिसंबर को तो 15 डेज बाद कौन सा डेट आ जाएगा 25th 25th को इन्हें कंफर्म करना था कि लेना है कि नहीं लेना है लेकिन इन्होंने 31 दिसंबर तक कुछ नहीं बोला है तो इनका सेल मानना पड़ेगा ठीक है टाइम चला गया कुछ नहीं बोला गया है तो इसको हम लोग मान लेंगे सेल ठीक है तो यहां पर दिखा देते हैं मेसर्स एबीसी का हम लोग सेल मान लेंगे तो ये यहां आ जाएगा सेल हो रहा है तो यहाँ पर डेट जो है इनका कब हम लोग सेल मान रहे हैं ट्वेंटी फिफ्थ को क्योंकि वही वाला डेट इनका अप्रूवल डेट होता है ट्वेंटी फिफ्थ तो यहाँ पर डिसम्बर लिख दिया टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी फिफ्थ को हम लोग मेसर्स एबीसी का सेल मान लेंगे क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है और टाइम चला गया है तो ये सेल बन चुका है नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न कर दिया है सिक्सटीन दिसंबर को बारह तारीख को लिया सिक्सटीन को रिटर्न कर दिया ठीक है फिफ्टीन डेज के पहले कर दिया तो इनका रिटर्न बुक कर लेंगे तो रिटर्न सिक्सटीन दिसंबर को तो यहां पर हो जाएगा यहाँ तो सिक्सटीन ठीक है ये लिख देते हैं टू थाउजेंड नाइनटीन सिक्सटीन दिसंबर को रिटर्न कर दिया है मेसर्स डीई एफ ने फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है पूरा ही रिटर्न कर दिया अच्छा नेक्स्ट चलते हैं देखो गुड्स और 2000 रिटर्न और 20th दिसंबर 15 को लिया 20th को रिटर्न किया है। चलो रिटर्न बुक कर लेंगे लेकिन कितना किया है 2000 क्या है ठीक है तो अभी 2000 का एंट्री कर लेते हैं मतलब डिटेल्स uh, रिकॉर्ड कर लेते हैं 20th दिसंबर को मेसर्स मेसर्स जीएचआई जीएचआई को ने 2000 का रिटर्न जेनरेट कर दिया है और बाकी टेन थाउजेंड का कुछ नहीं बताया है यहाँ पर देखो बाकी टेन थाउजेंड का कुछ नहीं बोला है और उसके बाद जीएचआई का फिर से सेल हुआ था और ये इसके बारे में आगे कुछ नहीं बोला बाकी टेन थाउजेंड जो बच गया उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको हम लोग सेल मान लेंगे कब मानेंगे फिफ्टींथ दिसंबर से लेके फिफ्टीन डेज बाद होता है थर्टीएथ दिसंबर अगर थर्टीएथ दिसंबर तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता है तो हम लोग उसे सेल मान लेंगे ठीक है थीके? तो हम इसको सेल मान लेते हैं थर्टीएथ दिसंबर को क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन तो इसका आगे बोला ही नहीं ये देखो थर्टीएथ दिसंबर में एक दिया है बोल रहा है कि नो इन्फॉर्मेशन टिल थर्टी दिसंबर ये अलग ट्रांजेक्शन है ये ट्वेल्व थाउजेंड वाले का आगे कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है कि बाकी टेन थाउजेंड वाले के नहीं उन्होंने क्या क्या बोला तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग इसको थर्टीएथ दिसंबर को रिकॉर्ड कर लेंगे या फिर इसको हम लोग ट्वेंटी दिसंबर को भी बोल सकते हैं देखो इन्होंने इन्होंने जो टोटल प्रोडक्ट लिया है उसमें टू रिटर्न किया

g h i इनका हो जाएगा बाकी 10000 का सेल मान लेंगे ठीक है अच्छा उसके बाद def का देखो रिटर्न हुआ है 24th दिसंबर को तो फिर रिटर्न मान लेंगे 20th को सेल 24th को रिटर्न फोर डेज के अंदर 15 डेज टाइम होता है तो रिटर्न मान लेंगे def का 16000 रिटर्न ठीक है तो def का 16000 हमें रिटर्न मानना पड़ेगा यहां पर कहां गया ओ रिटर्न नहीं सॉरी गलत पढ़ रहे रिटेन ठीक है तो गुड्स रिटेन ऑन ट्वेंटी फोर्थ डिसंबर ट्वेंटी फोर्थ डिसंबर तक इन्होंने गुड्स रिटर्न किया है तो रिटेन मतलब रखना होता है ठीक है रिटेन का मतलब होता है रखना तो 20th दिसंबर को इनको सेल हुआ 16000 और इन्होंने रिटर्न कर रखा है 24th दिसंबर तक तो रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है रिटेन्ड 24th सेल हुआ है 20th अब इनका 15 डेज में जो है डिस्पैच होने के 15 डेज के अंदर इन्हें इंफॉर्मेशन देना होता है तो ये हो गया आ, 35 तो 35 तो कोई डेट नहीं होगा तो 20th दिसंबर फिर उसके बाद ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी मतलब कितना दिन हो जा रहा है थर्टी वन माइनस ट्वेंटी कर लेते हैं इलेवन डेज हो गया और चार दिन मिलेगा मतलब जैन के फोर्थ जैन को इनको इंफॉर्मेशन देना है तो ट्वेंटी फोर्थ को इन्होंने रख लिया ठीक है अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पर रिटेन का मतलब है रख लेना मैंने थोड़ा सा गलत ये रिटर्न की तरह ही ट्रीट किए जा रहे हैं हम तब से इसका रिटेन्ड का मतलब है कि कीप ठीक है रख लेना तो इन्होंने स्टॉक रख लिया है 24th दिसंबर को इन्होंने कंफर्म कर दिया कि मुझे स्टॉक ले लेना है तो ये रिटेन में चला जाएगा मतलब गुड्स अप्रूवल में चला जाएगा तो गुड्स अप्रूवल में लिखेंगे 24th दिसंबर में मेसर्स डीईएफ का ये वाला 16, 000, ठीक है मैंने रिटर्न का जो है मतलब वो गलत कर दिया था इसी वजह से ठीक है ये रिटर्न इन्होंने भी रिटर्न किया रख लिया है पच्चीस को सेल हुआ ट्वेंटी इन्होंने बोला हाँ मुझे पसंद है हम रख रहे हैं तो मेसर्स एबीसी का ट्वेंटी दिसंबर में मेसर्स ए बी सी का इलेवन थाउजेंड का हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे सेल अच्छा अब इनका देखो सेल हुआ है थर्टी दिसंबर और इन्होंने अभी तक थर्टी फर्स्ट डिसम्बर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो नहीं देंगे ना क्योंकि पंद्रह दिन इनके पास है फिफ्टीन डेज इनके पास है कि इनको लेना है प्रोडक्ट या रिटर्न करना है ये बताने के लिए तो थर्टी दिसंबर को अगर इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो नहीं दिया है इसके लिए हम लोग इनको ये नहीं बोल सकते हैं कि आप हमें टाइम बता दो क्योंकि हमारा अकाउंट क्लोज होने वाला है ठीक है तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे इसे हम लोग बैलेंस में दिखा देंगे कि इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है ठीक है तो इसको हम लोग कर लेते हैं एक बार क्लोज तो टोटल करते हैं देखो कितना आता है टेन टेन ट्वेंटी थर्टी 40, 50, 60, 60 और यहाँ पर हो गया फोर uh, और सिक्स uh, मतलब टेन सिक्सटी सेवेंटी सेवेंटी और ये सेवन मतलब सेवेंटी हो रहा है टोटल सेंड किया गया था सेवेंटीन का रिटर्न हो गया है और रिटेन यानी रख लिया गया है टेन 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 मतलब फोर्टी और ये सेवन फोर्टी सेवन थाउजेंड ठीक है तो फोर्टी सेवन थाउजेंड ये देखो क्या डिटेल्स के आया सेवन सेवन थाउजेंड का सेल हुआ था उसमें से फोर्टी सेवन थाउजेंड अप्रूव हो चुका है और सेवनटीन थाउजेंड रिटर्न हो चुका है तो थर्टीन थाउजेंड का कोई हमें डेटा इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि थर्टीन थाउजेंड के लिए अभी भी टाइम बाकी है अपना मतलब कंसेंट बताने के लिए कस्टमर के पास इसीलिए थर्टीन हम लोग के बैलेंस में चला जाएगा बैलेंस में चला जाएगा। हो गया अब हम लोग इसका क्या प्रिपेयर करेंगे इसका हम लोग प्रिपेयर करेंगे ए, लेजर, जिसका नाम है गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट यही सिर्फ हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन के तरफ से ठीक है तो यहां पर सारे सेल को रिकॉर्ड करेंगे सेल का एंट्री क्या होता है डेटर टू सेल uh, होता है ठीक है तो यहां पर बाई डेटर बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा कब रिकॉर्ड होगा यहां पर डेट देख लेते हैं डेट है हम लोग का 2019 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 19 में रिकॉर्ड करेंगे बाय संड्रीज कस्टमर यहां पर लिखेंगे सेंट ऑन अप्रूवल कितना सेवेंटी सेवन थाउजेंड अब रिटर्न जो हुआ है तो रिवर्स एंट्री 31 दिसंबर 19 को बाई सॉरी टू सन्ड्रीज कस्टमर 17,000 ये रिटर्न और अप्रूव्ड का भी सेम एंट्री हो जाएगा टू सन्ड्रीज कस्टमर एप्रूव तो balance balance CD, ये तो ये आसान है है ठीक बस इतना याद रखना है कि रिवर्स एंट्री हो, होता है इसी वजह से रिटर्न का भी जो एंट्री आ रहा है अप्रूव का भी वही हो रहा है क्योंकि हम लोग उसे ओरिजिनल बुक्स में एंट्री कर और मेमोरेंडम बुक से हटा रहे हैं हो गया बस यहाँ पर हमें क्या करना है मेरे से एक ही चीज गलती हो गया रिटेन का मैंने गलत मतलब निकाल लिया मतलब रिटेन का जो है मैंने ध्यान नहीं दिया रिटर्न की तरह ट्रीट कर लिया रिटेन का मतलब है इन्होंने गुड्स रखना है उसका इंफॉर्मेशन ट्वेंटी फोर्थ को दे दिया तो जिन्होंने रिटर्न रिटेन किया है उनका यहाँ पर सेल कंसिडर हो जाएगा ठीक है यहाँ दो जन ने रिटर्न किया और यहाँ पर एक पार्टी ने दो रिटर्न किया बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला मतलब उनका सेल मान लेंगे ठीक है तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया अब हम लोग छोटा छोटा एमसीक्यूज है वो थोड़ा देख लेते हैं कुछ ट्रू फॉल्स है और कुछ एमसीक्यूज़ है

अच्छा इसके बाद देखो द कस्टमर द गुड्स इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द मेंशन टर्म जो मेंशन टर्म है वो एक्सपायर हो गया कस्टमर गुड्स रख रहे हैं बट दिस एक्ट डज नॉट कंफर्म टू सेल ऑफ गुड्स ये वाला जो एक्टिविटी है ये गुड्स सेल हो गया इस बात को कंफर्म नहीं करता है क्योंकि रीजन दिया है एस देयर इज नो एक्सप्रेस कंसेंट गिवेन क्योंकि यहाँ पर कस्टमर ने कोई कंसेंट नहीं भेजा है ये भी फॉल्स है क्योंकि कस्टमर कंसेंट भेजे या ना भेजे क्योंकि हमारा टर्म एक्सपायर हो गया है तो ये इंप्लाइड है कि इसे सेल मान लिया जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, इ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर आर सोन एज पार्ट ऑफ सेल इन द बुक्स ऑफ द सेलर क्या बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर जब ईयर एंड हो जाता है दोज गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस For approval. Approval basis पे हम लोगों ने जो स्टॉक है और जो अभी approval के लिए वेट कर रहा है कस्टमर सेल्स इन द बुक्स ऑफ द सेलर सेलर के बुक्स में उसे हम लोग सेल्सिडर करेंगे नहीं उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की तरह कंसिडर करते हैं सेल की तरह नहीं करते तभी तो सेल का रिवर्स एंट्री पास करते हैं और उसके बाद उसको हम लोग दिखा देते हैं इन्वेंट्री लाइन विथ कस्टमर यानी कि उसे क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट कर लेते हैं अच्छा नेक्स्ट देखो नो एंट्री नीड्स टू बी पास इन द बुक्स ऑफ द सेलर सेलर के बुक्स में किसी तरह का एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है वेन द कस्टमर रिजेक्ट द गुड्स अगर कस्टमर गुड्स रिजेक्ट कर रहा है एवेटिंग अप्रूवल जो अप्रूवल के लिए वेट हो रहा था वो गुड्स अगर कस्टमर बोल रहा है मुझे नहीं लेना है आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ द सेलर मतलब सेलर का ईयर एंड हो गया था मतलब बुक्स क्लोज कर लिया था सेलर ने जब सेलर ने बुक्स क्लोज किया होगा सेल का रिवर्स एंट्री पास किया होगा सेल का रिवर्स एंट्री पास करके सेल कैंसिल किया होगा और स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है नो एंट्री टू बी पास इन द द बुक्स ऑफ सेलर सेलर के बुक्स में कोई एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है द द द कस्टमर कस्टमर गुड्स गुड्स अगर रिजेक्ट कर रहा है जो उसके पास अप्रूवल के लिए पड़ा हुआ था ऑन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ द सेलर ये ट्रू बोल रहा है क्योंकि सेलर तो ऑलरेडी रिवर्स एंट्री कर ही दिया है सेल को कैंसिल ही कर दिया है उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया तो बस फिजिकली हमें स्टॉक जो है कलेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना पड़ेगा अच्छा इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है फिफ्थ नंबर में द पीरियड विद इन विच कस्टमर हैज टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट इज फिक्स्ड बाय द बायर कितने दिन के अंदर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है वो बायर कंफर्म करता है नहीं वो तो सेलर कंफर्म करता है बायर क्या कंफर्म करेगा कि हम कब स्टॉक फिर वो तो अपना मन मर्जी का हिसाब से बोलेगा वैसे थोड़ी होता है देखो हमेशा जो है सेलर बता देता है कि आपको अगर लेना है नहीं लेना है वो फिफ्टीन डेज जो भी होगा उसके अंदर बता दो ठीक है तो ये हम लोगों ने देखो छोटा छोटा क्वेश्चंस देख लिया ट्रू फॉल्स वाला अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ है वो भी देख लेते हैं

मेंटेन करना पड़ता है सेल और रिटर्न जर्नल या डे बुक तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा सेल और रिटर्न जर्नल या डे बुक ये सेल जर्नल बोला ये नहीं होगा सेल और रिटर्न ये होना ही चाहिए लैंग्वेज ये सेल जर्नल नहीं होगा गुड्स रिटर्न जर्नल नहीं होगा सेल और रिटर्न जर्नल जो है वो परफेक्ट आंसर है ये हम लोग का होगा क्योंकि प्रोसेस ही है सेल और रिटर्न ठीक है सेलर रिटन डे बुक एंड सेलर रिटन लेजर आर नोन एज जहां पर सेलर रिटन डे बुक और सेलर रिटन जर्नल दोनों बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं देखो ये मेमोरेंडम बुक्स जहां पर सेलर रिटन डे बुक और सेलर और रिटन लेजर दोनों चीज बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेमोरेंडम्स बुक्स बोलते हैं ठीक है थीके? आज ही किया ये सारी चीज हम लोगों ने आज ही किया है तो ये ऑप्शन सी होगा थर्ड नंबर देखो बोल रहा है कि ए सेंड गुड्स ए सेंड सम गुड्स कॉस्टिंग थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट ए प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन सेल टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ए ने बी को सेल किया है ठीक है कितना प्रोडक्ट सेल किया 3500 इसका कॉस्ट है अब सेल वैल्यू ढूंढना पड़ेगा तो इस पे प्रॉफिट लगाना पड़ेगा तो प्रॉफिट जो है वो ना सेल पे बता रखा है कॉस्ट पे नहीं कि हम इस पे डायरेक्ट 25% लगा ले आगे देखते क्या बोल रहे हैं बी रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 800 इसमें से बी रिटर्न कर दिया है कितने का 800 कॉस्ट वाला

अप्रूवल uh, हो जाता है तो बैलेंस शीट में बोल रहा है कि कितना स्टॉक दिखेगा ये पूछ रहा है हमें ठीक है बैलेंस शीट में कितना स्टॉक दिखेगा तो बैलेंस शीट में ये वाला दिखेगा 2700 सोचो हम लोग क्या लिखते हैं बैलेंस शीट जब बनता है तो हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं स्टॉक लाइन विथ कस्टमर तो कस्टमर के पास जो स्टॉक है उसका हमें कॉस्ट लिखना पड़ता है कॉस्ट तो हमारे पास कैलकुलेट हो ही जा रहा है आसानी से क्या बोला था कि थ्री के कॉस्ट का स्टॉक भेजा गया लेकिन कॉस्ट में नहीं भेजा गया है लगा के भेजा गया है प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो बट इस क्वेश्चन से बी ने 800 का कर दिया। बाकी के बारे में कुछ नहीं बताया है वहां पर हमें बैलेंस शीट और ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा तो वो क्या करेगा वो बाकी सेल जो है मतलब टू का जो सेल है मतलब ये तो कॉस्ट वैल्यू है तो जो स्टॉक बी के पास पड़ा हुआ उसे closing stock treat करके entry कर देगा तो 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 का का और ये ये क्या आ गया? Cost आ गया गया है है ठीक तो हो गया और अगर एनआरवी देखना चाहो तो देख सकते हो प्रॉफिट क्या बोला है ट्वेंटी तो है सेल पे ट्वेंटी फाइव परसेंट तो कॉस्ट कितना होगा हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव कॉस्ट हो जाएगा तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा सेवेंटी फाइव ठीक है तो ये वन थर्ड हो जाएगा तो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे एक्चुअली थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड कॉस्ट पे हमें वन थर्ड जो है प्रॉफिट लगाना है तब पता चलेगा कि सेल वैल्यू कितना है लेकिन जरूरत नहीं है हमारा तो डायरेक्ट कॉस्ट निकल के आ रहा है ना कि टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड का स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है ठीक अच्छा है अच्छा और अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो ये देखो हम लोग के पास टू 2700 का अगर सेल वैल्यू निकालना चाहो तो सेम प्रॉफिट से निकाल सकते हैं ये देखो 2700 कर दो तो, तो ये हो गया 2700 प्लस 900 तो ये हो जाएगा 3,600. एक्चुअली 3600 सेल वैल्यू का स्टॉक बी के पास पड़ा हुआ है जिसका कॉस्ट है कितना 2,700 और टोटल सेल वैल्यू ये था इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा 3,500 डिवाइडेड बाय 3 तो ये कुछ इतना आ रहा है प्लस 3,500 देखते हैं कितना आ रहा है ये आ रहा है हम लोग का 4666 uh, ठीक है 4667 का सेल हुआ है जिसमें से 3,600 का सेल इन्होंने जो है आ, मतलब अपने पास रखा हुआ है स्टॉक जिसका कॉस्ट इतना है तो हमें तो सेल वैल्यू चाहिए ही नहीं कॉस्ट ही चाहिए कॉस्ट तो डायरेक्ट दिया था तो आंसर निकल गया फोर्थ नंबर वाला देखो क्या बोल रहे हैं फोर्थ नंबर में बोला है

इतने ये सेल प्राइस है ठीक है क्वेश्चन में बोल रखा है सेल प्राइस

पड़ेगा कॉस्ट प्राइस ढूंढना पड़ेगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये तो सेल प्राइस है ये क्वांटिटी है तो क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस करेंगे तब ना पता चलेगा कितना स्टॉक उनके पास है तो कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बोला है कॉस्ट के ऊपर 25% तो कॉस्ट हो गया 100 प्रॉफिट हो गया 25 तो सेल प्राइस हो जाएगा 125 तो 125 जो है वो इक्विवेलेंट टू 2 लाख है तो 100 इक्विवेलेंट टू क्या होगा तो 125 इक्विवेलेंट टू 2 लाख 1 इक्विवालेंट तू 2 लेट डिवाइडेड बाय 125 इनटू 100 चेक करते कितना हो जाएगा 100 इक्विवालेंट निकल के आ जाएगा 2 लेट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 125 तो कितना आ गया 1 लेट 60, 000 ठीक है 100 आर्टिकल एट आता सेल प्राइस ऑफ 200 ये मेरा इतना ज़्यादा कैसे आ गया 1 लेट 60, 000 मतलब मे ए के साथ मतलब ये सिक्सटीन थाउजेंड दिया है मेरा वन लैख सिक्सटी थाउजेंड कैसे आ गया कुछ तो गलत हो गया होगा देखते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट बोला है अच्छा हम लोग टू हंड्रेड का निकाल लेते हैं ये देखो ये सेल प्राइस कितना है टू हंड्रेड हम लोग टू हंड्रेड यूनिट का निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर शायद आ जाएगा ये देखो सेम तरीके से ही होगा यूनिट का है ना तो इसीलिए तो वन इक्वल टू हंड्रेड बाई वन ट्वेंटी फाइव इन टू टू हंड्रेड देखो कितना आएगा वन ट्वेंटी फाइव सॉरी वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड ये आ रहा है 160 ये देखो 160 आ गया और कितने यूनिट का सेल हुआ ये एक्चुअली ना 2 लाख नहीं ट्वेंटी इसीलिए मेरा गलत आ रहा था 160 सिक्सटी इंटू हंड्रेड यानी सिक्सटीन होगा ये 20,000 से भी करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा देखो गलत क्या हुआ था मैंने टू लैक कर दिया था हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन टीव इंटू ट्वेंटी करेंगे तो भी आएगा ये देखो सिक्सेंड मैंने टू लैक कर दिया इसीलिए मेरा इतना ज्यादा आ जा रहा था अब तुम लोग इसको 200 से करके निकालो या ट्वेंटी थाउजेंड से निकालो ट्वेंटी थाउजेंड से निकालोगे डायरेक्ट टोटल आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड और अगर टू हंड्रेड से निकालेंगे तो एक यूनिट का आएगा इंटू हंड्रेड करने से सारे यूनिट का आ जाएगा तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा ठीक है वहां मैंने टू लैख गलत से कर दिया था इसी वजह से आंसर वन सिक्सटी दिख रहा था तो फोर्थ नंबर का ए हो गया अब फिफ्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है फिफ्थ नंबर में बोला है उमे सेंट गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस फ्रॉम बेसिस एज़ फॉलोइंग देखो क्या-क्या बोल रहा है इतने इतने डेट को इनको सेल किया है ये हो गया गुड सेंट ये एक्सेप्टेड ये रिटर्न है ठीक है द इनवेंट्रीज ऑफ गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन थर्टी फर्स्ट जेन विल बी तो बोल रहा है कि थर्टी फर्स्ट जेन को अप्रूवल बेसिस पे भेजे गए जो गुड्स है उसका इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक वैल्यू क्या होगा मतलब जिसपे कोई अप्रूवल नहीं आए वो देखना पड़ेगा आप देखते हैं अन्ना को थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड का गुड्स भेजा गया उन्होंने थ्री थाउजेंड एक्सेप्ट किया फाइव हंड्रेड रिटर्न कर दिया तो इनका तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनेगा मतलब हमें क्या निकालना है इन्वेंट्रीज लाइन विद कस्टमर 3500 में 3000 उन्होंने परचेस कर लिया 500 रिटर्न कर दिया तो उनके पास कोई हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इन्होंने 2800 सेल किया था इनको किया गया था इन्होंने पूरा ही सेल जो है एक्सेप्ट किया तो इनका भी कोई क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक इनके पास नहीं है इनका इतना सेल हुआ इतना ही रिटर्न हो गया तो नो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर जीरो ट्वेल्व सिक्सटी का सेल हुआ एक्सेप्ट रिटर्न तो नो क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर यानी आंसर हम लोग का नील हो जाएगा ठीक है तो फिफ्थ का ऑप्शन बी हो जाएगा ये तो आसान सर आसान सा क्वेश्चन था ठीक है हम लोग को सिर्फ लॉजिकली समझना है इन्वेंट्रीज ऑफ सेल ऑन अप्रूवल मतलब कस्टमर के पास पड़ा हुआ स्टॉक

देखो एक कंपनी है जिसने अपने डीलर को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे जो है कार भेजा था और ये कैसे ट्रीट करते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को एक्चुअल सेल की तरह ठीक है अब एंड आ गया और कस्टमर uh, के पास फिफ्टी फाइव थाउजेंड कॉस्ट वाला दो कार पड़ा हुआ है जिसको सेवेंटी फाइव थाउजेंड करके उन्होंने में करेंगे, और lower, तो दो कार है तो इंटू टू इंटू टू करने से कितना हो जाएगा वन लैख टेन थाउजेंड तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए सिक्स का ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है अच्छा अब सेवेंथ नंबर देखो ए ट्रेडर हैज क्रेडिट सर्टेन आइटम्स ऑफ सेल ऑन अप्रूवल एग्रीगेटिंग थाउजेंड टू सेल्स अकाउंट एक ट्रेडर है जिसने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेचा है और सेल्स अकाउंट में टोटल दिख रहा है इनका सिक्सटी थाउजेंड ऑफ दिस गुड्स ऑफ द वैल्यू सिक्सटीन थाउजेंड में से रिटर्न हो चुका है सिक्सटीन थाउजेंड एंड टेकन इन टू इनवेंट्री एट कॉस्ट ऑफ एट थाउजेंड और इसे एट थाउजेंड के हिसाब से इन्वेंट्री में लिया गया दो द रिक्ड ऑफ रिटर्न वॉज ऑमिटेड इन दिटर्न का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है ठीक है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनअर

सिक्सटी थाउजेंड माइनस सिक्सटीन थाउजेंड ये हो गया है रिटर्न फोर्टी फोर थाउजेंड इसका मतलब अप्रूव हो गया इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है ना तो ये क्या है रिटर्न अब ये 8000 का भी बताते ये रिटर्न हो गया तो बाकी क्या हो गया होगा अप्रूव्ड हो गया उसके बारे में कुछ नहीं बताया और जो रिटर्न हुआ उसका कॉस्ट है 8000 तो रिटर्न का एंट्री हुआ नहीं है बोल रहा है ठीक है इन रेस्पेक्ट ऑफ अनदर पर्सन दूसरा पर, पार्सल जो है जो कि 12000 सेल वैल्यू है जिसका कॉस्ट है इसी का कॉस्ट है 6000 और इसका जो है अभी तक स्टिप्युलेटेड टाइम जो है जो स्पेसिफाइड टाइम है वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है क्लोजिंग डेट आ गया है ईयर एंड का तो कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर क्या होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर ये हो जाएगा सिक्स थाउजेंड क्योंकि ये तो पूरा सेल हो गया उसका रिटर्न एंट्री जेनरेट नहीं हुआ है ऑमिशन हो गया है वो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट हो गया है ना तो इसका मतलब कस्टमर के पास अभी ट्वेल्व थाउजेंड का जो हम लोगों ने पार्सल भेजा था जो सेल हुआ था उसमें से देखो सिक्स थाउजेंड इसका कॉस्ट है तो हमारा जो स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा हुआ है कौन सा ये वाला उसका हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर तो कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे तो सिक्स यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा फिर एथ नंबर देखो अंडर सेल्स और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ओनली ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है द रिटेलर गिव्स हिज अप्रूवल हाँ जब रिटेलर अपने अप्रूवल पास करते हैं हैं तो हम लोग मानते कि सेल है ओनरशिप uh, ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि तभी सेल ऑकर्ड होता है इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड पीरियड तब भी सेल काउंट होता है यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी देखो या तो हम लोगों ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ मुझे परचेज करना है या फिर जो अप्रूवल का टाइम था वो बीत गया ठीक है और हम लोगों ने कुछ कंफर्म नहीं किया इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है ठीक है तो इसका आंसर हम लोग का बोथ ए एंड बी हो जाएगा एट का ऑप्शन सी और नाइन्थ नंबर का देखो नाइन्थ और टेन बस दो ही है अंडर सेल्स और रिटर्न और अप्रूवल वेन ट्रांजेक्शन आर फ्यू फ्यू ट्रांजेक्शन मतलब कैजुअली होता है द सेलर वाई सेंडिंग द गुड ट्रीटेड देम एज ऑर्डिनरी सेल ये देखो एज ऑर्डिनरी सेल बट यहां पर Uh, बोला है नो एंट्री पास इन द बुक्स गलत बात है ऑर्डिनरी सेल ट्रीट करते हैं एंट्री भी पास करते हैं एंड ऑर्डिनरी सेल एंड एंट्री फॉर नॉर्मल सेल इज पास द बुक्स ये करते हैं अप्रूवल सेल एंड नो एंट्रीज पास नहीं ये भी नहीं होगा तो नाइन्थ का हम लोग का क्या होगा ऑप्शन बी इसी पे तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया अब टेंथ नंबर का लास्ट अंडर सेल्स और रिटर्न अप्रूवल बेसिस

रिटर्न बाय द कस्टमर ऑन सब्सिक्वेंट डेट अगर इसके बाद कस्टमर रिटर्न करता है तो क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट तो नो no एंट्री जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही किया था देखो ये वाला कौन से पॉइंट को डील करता है ये जो सेवेंथ नंबर वाला हम लोगों ने आज क्वेश्चन किया स्टार्टिंग में

ऑप्शन ए हो जाएगा नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर सच रिटर्न ठीक है बाकी ये दो गलत है एंट्री फॉर रिटर्न पास करना है ओनली इन्वेंट्रीज अकाउंट विल एडजस्टेड ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा नो एंट्री विल बी पास तो ये टेंथ नंबर का लास्ट था हम लोग का कंप्लीट हो गया तो देखो ये चैप्टर ही हम लोग का कंप्लीट हो गया ये छोटा सा चैप्टर है और इसका इम्पैक्ट जो है कभी कभी फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाने में भी आ सकता है कि अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री में दे दे कि सेल जो है अप्रूवल बेसिस पे हुआ है तो कैसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तब हमें ये जो फ्यू वाला है उसी पे बेसिकली देगा देखो अगर हमें कभी फाइनल अकाउंट में ये पॉइंट आ जाए तो हमें फ्यू सेल के ऊपर जो ट्रांजेक्शन है वही देगा ये सब नहीं देगा ठीक है ये सब अगर आएगा तो इंडिविजुअली चैप्टर बेसिस पे आ सकता है ठीक है फिर कंप्लीट हो गया है आज का हम लोग का नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई चैप्टर करेंगे